संस्कृत पाठ्य पुस्तक के सुकृतिका पाठ्य पुस्तक के इस वीडियो के इस भाग में आज हम लोग अष्टम पाठ के बारे में जानेंगे। सप्तम पाठ के पश्चात अष्टम पाठ में आज हम लोग लट लकार के बारे में जानते हैं। लट लकार जो धातु का रूप होता है और इसके प्रथम पुरुष के बारे में आज हम लोग जानेंगे। हम लोगों ने शुरुआत के समय में तीन पुरुषों के बारे में जाना है, जिसमें से कि प्रथम पुरुष जो होते हैं वह वे शब्द होते हैं जिसके बारे में बोलने वाला बोलता है, यानी कि बोलने वाला जिस अन्य पुरुष के बारे में कुछ कहता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। और उसी प्रथम पुरुष में जो क्रिया लगाई जाती है उसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसमें धातु के साथ में अति, अतः, अन्ति क्रिया का प्रयोग किया जाता है। धातु के साथ अति, अतः, अन्ति, यानी पठ अगर धातु लगेगा तो पठ के साथ अति लगाएंगे तो पठति बनेगा, पठ के साथ अतः लगाएंगे तो पठतः होगा, और पठ के साथ अन्ति लगाएंगे पठन्ति होगा। पठति एक वचन का रूप होता है जिसका मतलब होता है पढ़ता है या पढ़ती है। पढ़ता मतलब दो पढ़ते हैं या दो पढ़ती हैं, और पठन्ति का मतलब होता है अनेक पढ़ते हैं या अनेक पढ़ती हैं। इस क्रिया का प्रयोग हम लोग तीनों लिंगों के साथ में कर सकते हैं। जैसे नपुंसक लिंग के लिए अगर यहाँ पर संज्ञा के शब्द लेते हैं तो बालक कहेंगे बालका, बालको, बालका, और अगर संज्ञा शब्द लेंगे स्त्रीलिंग के लिए तो बालिका, बालिके, बालिका, और अगर मित्र लेते हैं तो मित्रम, मित्रे, मित्रानी के लिए यहाँ पर सारे सर्वनाम के शब्द दिए गए हैं जिसके साथ इस क्रिया को हम लोग लगा सकते हैं। यानी सतौते, सातेता और तत्तेतानी क्रिया के साथ में पठती, पठता, पठन्ती। कहने का अर्थ है कि तीनों लिंगों के अनुसार से शब्द बदल जाते हैं लेकिन क्रिया का शब्द किसी भी रूप में नहीं बदलता है। तो क्रिया के बारे में किसी कार्य के किए जाने या होने का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। और जो क्रियाएं वर्तमान समय में घटित होती हैं, यानी जो क्रियाएं वर्तमान समय में हो रही हैं उन्हें लट लकार के नाम से संस्कृत में जाना जाता है, जिसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। और लट लकार का पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में इसमें है, हैं, हो और हूँ का प्रयोग किया जाता है, जिसमें यहाँ पर जो प्रथम पुरुष है प्रथम पुरुष में है और हैं का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जिसके बारे में हम बात करते हैं उसमें कहते हैं वह, जैसे कहते हैं वह बालक है, वे दोनों बालक हैं, वे सब बालक हैं, तो है और हैं का प्रयोग किया जाता है। तो पुल्लिंग के जो शब्द हैं वह है सह, तौ, ते, स्त्रीलिंग के शब्द सातेता और नपुंसक लिंग के शब्द तत्ते तानी। सह का मतलब वह होता है, तौ का मतलब वे दोनों, ते का मतलब वे सब, ताह का मतलब भी वह होता है, ते का मतलब वे दोनों और ताह का मतलब वे सब। यहाँ पर शब्द मिलता जुलता है लेकिन इन दोनों की जो क्रिया होगी वह नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके लिए जो क्रिया होगा उसमें अतः लगेगा, यह रूप लगता है, और इसके लिए जो क्रिया होती है उसमें अन्ति का प्रयोग होता है। तो साते ताह, स्त्रीलिंग में साते ताह होता है वह वे दोनों वे सब के लिए, और अगर नपुंसक लिंग है तो उसमें कहेंगे तत ते तानी, यानी वह वे दोनों वे सब। तो क्रिया का जो रूप है उसमें पट धातु, इस प्रकार पट धातु लट लकार का जो रूप होगा वह सारणी सूत्र है, सारणी सूत्र ध्यान में रखेंगे। अति, अत, अंति वाली क्रिया का प्रयोग यहाँ पर प्रथम पुरुष में किया जाता है। अब यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं वह देखेंगे उसके अर्थों के साथ में इस प्रकार से है। जैसे चित्र में देख रहे हैं सह लिखति, इसका मतलब होता है वह लिखता है। चित्र में देख रहे हैं तौ लिखता, तौ लिखता का मतलब होता है वे दोनों लिखते हैं। और ते लिखंती,
अर्थात वे सब लिखते हैं। इस प्रकार से होगा। इसके बाद देखेंगे सा क्रीडति, सा क्रीडति तेरे ते क्रीडता और ताह क्रीडंती। सा क्रीडति अर्थात वह खेलती है, ते क्रीडता वे दोनों खेलती हैं और ताह क्रीडंती वे सब खेलती हैं। पूर्ण विराम सब में होगा, ध्यान रखेंगे तो इसके अनुसार से। तो सा क्रीडति वह खेलती है, ते क्रीडता वे दोनों खेलती हैं और ताह क्रीडंती वे सब खेलती हैं। वह खेलती है, वे दोनों खेलती हैं, वे सब खेलती हैं। इसके बाद जो है शब्द है तत् फलम अस्ति, वह फल है, ते फले सतः वे दोनों फल हैं, तानि फलानि सन्ति वे सब फल हैं। तत् फलम अस्ति, वह फल है, ते फले सतः वे दोनों फल हैं और तानि फलानि सन्ति वे सब फल हैं। इसके बाद धातु यानी क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में धातु के नाम से जाना जाता है। जैसे पठ धातु है, इसका अर्थ होता है पढ़ना। लिख धातु है लिखना। क्रीड मतलब खेलना, अस मतलब होना। तो जितनी भी हिंदी की क्रिया का मूल रूप होता है उसमें ना लगा होता है उसी के संस्कृत रूप को धातु के नाम से जानते हैं। जैसे पढ़ना लिखना खेलना कूदना यह सभी, हंसना होना यह सभी में ना लगा है और इसका संस्कृत रूप धातु के नाम से जाना जाता है। तो संस्कृत में पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। वह यहाँ पर प्रथम पुरुष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे संस्कृत में प्रथम पुरुष के नाम से जानते हैं। मध्यम पुरुष कही गई बात को सुनने वाला श्रोता, यानी सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी वह मध्यम पुरुष कहलाता है। और कही गई बात को बोलने वाला वक्ता वह उत्तम पुरुष कहलाता है। वर्तमान समय में लट लकार, वर्तमान समय में जो काम क्रिया की जाती है उसे संस्कृत में लट लकार के नाम से जानते हैं। और इसमें जो यह सूत्र मैंने बतलाया यह ध्यान रखेंगे अति अतः अंति का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें धातु के साथ उसके क्रिया रूप को दर्शाया गया है। गम का गच्छ रूप जिसका मतलब गो होता है, यानी गच्छ रूप का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, इसमें भी आप देख रहे हैं यही अति अतः अंति का प्रयोग किया गया है। जो अति अतः अंति यहाँ पर है अति अतः अंति, ध्यान रखेंगे हलंत लगा हुआ है और इस हलंत को जोड़ने के बाद यह रूप होता है। तो गम में भी हलंत है तो इसका गच्छ जो रूप होता है उसमें भी हलंत होता है। तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। क्रीड है, क्रीड में अति लगा, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति। भू में यानी भू का भव रूप का प्रयोग होता है, भवति भवतः भवन्ति। लिख का लिखति लिखतः लिखन्ति। अस का अस्ति सतः सन्ति। क्री का करोति कुरुतः कुर्वन्ति। अगर मीनिंग जानना चाहेंगे तो मीनिंग होता है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, मतलब एक जाता है दो जाते हैं अनेक जाते हैं। क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, एक खेलता है दो खेलते हैं अनेक खेलते हैं। यहाँ खेलता है खेलती है दोनों हो सकता है, जाता है जाती है दोनों हो सकता है। भवति भवतः भवन्ति, होता है दो होते हैं अनेक होते हैं, यानी काम के बारे में कह सकते हैं। लिखति लिखतः लिखन्ति, एक लिखता है दो लिखते हैं अनेक लिखते हैं। अस्ति सतः सन्ति, एक है दो हैं और अनेक हैं। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, एक करता है दो करते हैं अनेक करते हैं। इस प्रकार से हम लोग यह धातु के इन विभिन्न रूपों को तीत अंति लगाकर क्रिया का रूप देते हैं, जो प्रथम पुरुष में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर शब्दार्थ कुछ दिए गए हैं, शब्दों का अर्थ है उनको बोलकर पढ़कर याद करेंगे। सह पुल्लिंग का मतलब वह होता है जो ही कहलाता। तव पुल्लिंग वे दोनों पुरुष के लिए, यानी दोज टू मेल्स, यानी दो नरों के लिए, दो आदमियों के लिए, दो पुरुषों के लिए होता है। ते पुल्लिंग वे सब होता है
यह भी मेल्स के लिए होता है, दे के अर्थ में होता है यानी वेसव के लिए। सा स्त्रीलिंग वह, सी एस एच ई सी वह, और ते स्त्रीलिंग के लिए वे दोनों स्त्रियों के लिए आता है, वे दोनों स्त्रीलिंग शब्द के लिए वे दोनों, और ता स्त्रीलिंग में वे सब सभी स्त्रियों के लिए आता है वे सब। तत्न पुरुषकलिंग वह, जिसका मतलब दैट होता है, दूर के चीज़ों को दर्शाने के लिए कहते हैं। ते वे दोनों, दोज टू वे दोनों, तानी वे सब, दे ऑल वे सारी चीज़ों, निर्जीव वस्तु या नपुंसकलिंग के वस्तु के लिए। अस्ति का मतलब है, सतह मतलब दो हैं, और संति मतलब बहुत से हैं। तो इस प्रकार से इन शब्दों के अर्थों को भी बोलकर पढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे इस पाठ में जो भी क्रिया का रूप दिया गया है वह लट लकार का पहला रूप है प्रथम पुरुष का, जिसमें अति अतः अंति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे जो शब्द दिए गए हैं, जो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था, वह यहाँ पर मीनिंग के साथ में है। तो उच्चारण करेंगे, सह का मतलब वह होता है लड़का के लिए, तो मतलब वे दोनों लड़के के लिए, और ते मतलब वे सब लड़के के लिए, सा वह लड़की के लिए, ते वे दो लड़कियों के लिए, और ता वे सब लड़कियों के लिए। यहाँ पर किताब है तो उसके अनुसार से तत वह पुस्तक के लिए तत आया है, ते वे दो पुस्तकों के लिए, और तानी वे सब अनेक पुस्तकों के लिए। यहाँ पर सह का प्रयोग लड़का के लिए वह है, यानी सह सर्वनाम है, तौ सर्वनाम है, ते सर्वनाम है, सा ते ता यह भी सर्वनाम है, जो क्रमशः एक लड़की, दो लड़कियों, अनेक लड़कियों के लिए आया है। सह तौ ते, एक लड़का, दो लड़का, अनेक लड़का के लिए आया है। तत् का प्रयोग एक किताब, दो किताब, तत् ते तानी का प्रयोग एक किताब, दो किताब और अनेक किताब के लिए इसका प्रयोग किया गया है। और यह कहते हैं जैसे अब यहाँ पर सह के, सह को लेकर के वाक्य बनाते हैं, पढ़ती पढ़ता पठंती के साथ, सह पढ़ती वह पढ़ता है, तो पढ़ता वे दो पढ़ते हैं, और ते पठंती वे सब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इसे बोलकर पढ़कर इसे समझेंगे और इसे याद रखेंगे। तीता अंति का प्रयोग होता है, सह तौ ते, सा ते ता और तत् ते तानी, इसको तत्पुल्लिंग कहते हैं, या तत् स्त्रीलिंग होता है, या तत् नपुंसकलिंग होता है। इस प्रकार से कह सकते हैं यह सर्वनाम का रूप है, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, और जो अन्य पुरुष होता है उसी को हम लोग पहले स्थान पर रखते हैं। इस फॉर्मेट को ध्यान में रखेंगे, अन्य पुरुष बोलने वाला वक्ता सबसे नीचे आता है, और सुनने वाला श्रोता मध्य में होता है। तो यह था ओरल का प्रश्नोत्तर। इसके पश्चात रिटर्न यानी लिखित कर कार्यम का प्रश्नोत्तर, जो यहाँ पर चित्र दिया गया है, चित्र को देखकर जो कोष्टक में क्रिया है उस क्रिया के रूप को लिखना है। यहाँ पर देख रहे हैं एक बच्चा है, और यह बच्चा हंस रहा है, यहाँ पर हंसती होगा, यहाँ पर एक लड़का प्रणाम कर रहा है तो नमती होगा, यहाँ पर दो छात्र जा रहे हैं, यहाँ पर गच्छता हो जाएगा, गच्छ है गच्छता, और यहाँ पर लिख है, यहाँ पर लिखती हो जाएगा, अकेला लड़का है लिख रहा, यहाँ पर तीन लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पर क्रीडंती हो जाएगा। तो इसे इस प्रकार से आप लिखोगे, पहला ऑलरेडी जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर भी मैंने लिखा है, तो यह दूसरा नंबर रिटर्न वर्क के लिए के रूप में है। लिखित कार्यम में और लिख रिटर्न वर्क, तो पठती पठ से बना पठती, हस से हसती हुआ, नम से नमती, चित्र के अनुसार से है। इन चित्रों का अभ्यास करेंगे और इन चित्रों को अपने SW कॉपी में बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। गच्छतः दो जाते हैं के लिए गच्छतः, दो जा रहे हैं उनके लिए गच्छतः, और लिखती जो लड़का लिख रहा है उसके लिए लिखती, और क्रीडंती इस प्रकार से लिखेंगे, पठती हसती नमती गच्छता लिखती क्रीडंती। अब
इन चित्रों के अनुसार से नीचे वाक्य बनाना है और उन क्रियाओं को पुनः लिखना है। जैसे पहला लिखा हुआ है छात्र पठती, ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके अनुसार से यह जो सभी है रूप है क ख ग घ अंग च, इस अनुसार से इस फॉर्मेट को भरना है। ऐसे जो पहला वाक्य जो यहाँ पहले चित्र के लिए लिखेंगे छात्र पठती, दूसरा लड़का जो हंस रहा है तो बच्चा हंसता है के लिए बालह हंसती दूसरा वाक्य लिखेंगे, तीसरा है लड़का प्रणाम करता है तो यहाँ पर बच्चा हंसता है तो बालह हंसती, या लड़का प्रणाम करता है तो बालका नमति। उसका देख रहे हैं चित्र में कि दो लड़के यहाँ पर दो लड़के जा रहे हैं, हाथ में किताब भी है, इसे कहेंगे छात्रों छात्रों गच्छतः, दो छात्र जाते हैं। बालकः लिखति, लड़का लिख रहा है तो बालकः कह सकते हैं, बालकः लिखति लड़का लिखता है। और अनेक लड़के खेल रहे हैं, लड़के हैं अनेक लड़के खेल रहे हैं, तीन लड़के हैं तो बालकः क्रीडन्ति, अनेक लड़के खेलते हैं। तो पहला जो चित्र के अनुसार से है छात्र पठती ऑलरेडी दिया हुआ है, छात्रों गच्छता दो छात्र जात, यह घ नंबर में होगा, लेकिन यहाँ पर इसके लिए हंसने वाले बच्चे के लिए बाला हंसती, फिर है बालका, इसके लिए बालका नमती, यहाँ पर दो छात्र जो जा रहे हैं उसके लिए होगा छात्रों गच्छता, यह छात्र ही कह सकते हैं क्योंकि किताब है पास में तो पढ़ने जा रहे हैं तो छात्र ही हैं, तो छात्रों गच्छता और बालका लिखती और बालका क्रीडन्ति इस अनुसार से। और यहाँ पर मिसमैच दिया हुआ है, इसे पहले आप लिख लेंगे और इसके सामने इनके उचित क्रियाओं को लगाएंगे। तो पहला जो लिखा हुआ है सह के लिए हंसती ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसे इस प्रकार से सह के सामने हंसती लिख लेंगे। इसके बाद जो शब्द है वह है देखेंगे किताब में बालिका लिखा हुआ है, बालिका है तव ते तत और ता, यह सभी शब्द हैं इसे लिख लेंगे। तो बालिका एक वचन है, इसके लिए उसमें देखेंगे ती वाला क्रिया है एक सबसे ऊपर में है नृत्यति, तो उस नृत्यति को उसके सामने लिख लेंगे, बालिका नृत्यति यह हो जाएगा। और इसके बाद तव, तव के लिए तह वाली क्रिया यानी चलता तव चलता यह हो जाएगा। फिर ते क्रीडन्ति, ते बहुवचन में आता है, हालांकि द्विवचन में भी होता है लेकिन यहाँ पर द्विवचन की क्रिया और कोई नहीं है इसलिए ते का प्रयोग बहुवचन के रूप में क्रीडन्ति करेंगे, ते क्रीडन्ति। और तत पतति, तत के लिए पतति वह गिरता है, फल के लिए हो सकता है तत पतति। और ताह के लिए नमन्ति का प्रयोग करेंगे। तो पहला हो गया सह के सामने हंसती, बालिका के सामने नृत्यति, तव के साथ चलता, ते के साथ क्रीडन्ति, तत के साथ पतति और ताह के साथ नमन्ति, आमने सामने में लिख देंगे। यह भी रचनात्मक कार्य में है और रचनात्मक कार्य में जो भी चित्र दिया गया है इसका अभ्यास करेंगे और इसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे क्योंकि यह आपके प्रोजेक्ट वर्क का भाग होता है और जो हर एक अध्याय का आप बनाते आए हो उसके अनुसार से इस चित्र को सुंदर से अपने SW कॉपी में बनाओगे। नीचे जो वाक्य दिया गया है उन वाक्यों को पूरा करना है, उचित क्रिया के रूपों से वाक्य को पूरा करना है। पहला ऑलरेडी बनाया हुआ है अत्र उद्यानम अस्ति, यहाँ उद्यान है तो इसे इस प्रकार से अत्र उद्यानम अस्ति लिख लेंगे। इसके बाद वहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है वृक्षे आम्रा आम्र फलानी है, वृक्षे आम्र फलानी पेड़ पर आम के फल, तो वहाँ पर सबसे पहला शब्द जो है संति वह यहाँ पर हो जाएगा, वृक्षे आम्र फलानी संति। इसके बाद पुष्पे फूल पर भ्रमर एक वचन है, गुंजति यानी गुनगुनाता है, भवरा गुनगुनाता है तो पुष्पे भ्रमर गुंजति अंडरलाइन कर देंगे, यह भरा हुआ जगह है इसके अनुसार से। फिर लिखा हुआ है बालकों दो लड़के खेल रहे हैं तो बालकों क्रीडता दूसरी क्रिया जो है वह होगी।
और उसके बाद है कुकुरा, कुत्ते दौड़ रहे हैं, पिक्चर में देख सकते हैं कुत्ते दौड़ रहे हैं, तो कुकुरा धावंती, कुत्ते दौड़ते हैं। और पुनः सुन लेंगे, पहला ऑलरेडी दिया हुआ है, अत्र उद्यानम अस्ति, यहाँ बगीचा है, वृक्षे, पेड़ पर आम लगे हुए हैं, तो वृक्षे आम्र फलानि सन्ति, पेड़ पर आम के फल हैं, पुष्पे भ्रमरा गुंजति, फूल पर भवरा गुनगुनाता है, बालको क्रीड़ता, दो लड़के खेलते हैं, और कुकुरा धावंती, कुत्ते दौड़ते हैं। अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को रिपीट करें, देखें और समझें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।